लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की मुस्तैदी से जांच कर रही पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की मौत दम घुटने से हुई है। इसके साथ ही सुशांत के विसरा को भी केमिकल जाँच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पहले जो प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें 3 डॉक्टरों के साइन थे, वहीं इस फाइनल रिपोर्ट पर 5 डॉक्टर्स की टीम ने साइन किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत की वजह से हुई है, जिसका अर्थ होता है शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलना। हालांकि अभी उनकी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के आने बाद उनकी मौत को लेकर और भी खुलासे हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सुशांत के शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट नहीं पाई गई थी, उनके नाखून भी बिल्कुल साफ थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह स्पष्ट रूप से खुदकुशी का मामला है और इसमें कोई साजिश नहीं है। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस अभी तक कुल 23 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके पिता और बहनों, उनके करीबी दोस्तों, नौकरों और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस ने सुशांत के दोस्त और फिल्म निर्देशक मुकेश छाबड़ा का भी बयान दर्ज किया है, जो सुशांत की आगामी फिल्म दिल बेचारा के निर्देशक हैं। पुलिस के अनुसार एक्टर की बिल्डिंग के सभी सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे और उनमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखा। घटना के दौरान सुशांत का डॉग दूसरे कमरे में था।